इतवार की शब इस शख्स को उस वक्त गिरफ्तार किया है जब ये बास खुवातीन का इलाज करने और उन्हें रुपयों का लालच देकर जिंस इस्तेमाल कर रहा था। बताया गया है कि इसने खुवातीन की उड़िया तस्वीर और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन पुलिस ने कितला पर कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार किया है। मुतासर खुवातीन ने इस बात की शिकायत की है कि ये शख्स उन्हें इलाज के बहाने तलब करके उनके उड़िया वीडियोस और फोटो बनाकर उन्हें जिंसी इस्तेमाल के लिए हरासा कर रहा था। बताया गया है कि हैदराबाद के पुराने शहर की सलम बस्तियों में खुद साख्ता बाबा गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को धोखा देकर अपने मफादात की तकमील कर रहे हैं। इस जिमन में लोगों ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से फौरी मुदाखलत करते हुए इस तरह के अफराद पर सख्त कार्रवाई करने की दरख्वास्त की है। आज जो वाकया पेश आया है चंद्रन गुट्टा पीएस के लिमिट के अंदर, ये वाकया बड़ा शर्मनाक वाकया है। मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस वाकये की। और ये ब्लैक मैजिक जो है ओल्ड सिटी और हैदराबाद शहर के अंदर सच चढ़कर बोल रहा है, और ये जादूगरान जो है सलम बस्ती और गरीब लोगों को अपने झांसे में लेकर उनके बरहाना उनके फोटोज निकाल रहे हैं, वीडियोस निकाल रहे हैं। वीडियोस निकालने के बाद उनको मजबूर किया जा रहा है सेक्स के ऊपर, और हरासमेंट किया जा रहा है उनको, तरह तरह के कॉल्स कर डरा कर उनसे मजबूरन गलत काम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लिहाजा मैं हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ और साउथ जोन डीसीपी साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम ब्लैक मैजिक करने वालों के ऊपर कार्डन सर्च करके सख्त सख्त एक्शन लेके जो गरीब और मजलूम लोग है इस वक्त जो है टेक्नोलॉजी के दौर आने के बावजूद भी कई ऐसे गुमराह कर रहे हैं ये लोग, इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए।